Hello and welcome everyone. In this tutorial, we will see representation of binary trees. There are two types of representations, array representation and linked list representation. First is array representation. ये हमें tree given है, इसको हम array के form में कैसे represent करेंगे such that अगर हम ये tree remove कर दें और सिर्फ array given हो तो हम उससे वो tree construct कर सकें. पहले हम इसको level wise organize करते हैं. दिस इज़ जीरोथ लेवल. जीरोथ लेवल पे आपके टू रेज टू द पावर जीरो नोड्स हो सकती हैं. फॉर फर्स्ट लेवल इट इज़ टू रेज टू द पावर वन एंड सो ऑन. ओके, ये मैक्सिमम नोड्स हैं एक लेवल पे कितनी हो सकती हैं. सो मैक्सिमम नोड्स के अकॉर्डिंग हम एरे रिप्रेजेंट करते हैं. कैसे? फॉर लेवल जीरो, ये मैंने एक एरे क्रिएट, एक साथ एरे क्रिएट करेंगे. ये मैं सिर्फ आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए डिफरेंट कलर्स यूज़ कर रही हूँ. अब जीरोथ लेवल पे एक ही नोड पॉसिबल है, एक नोड बनी हुई है, उसको हम एरे में डाल देंगे. देन फर्स्ट लेवल पे टू नोड्स, दो नोड्स डाल देंगे. नाउ फॉर लेवल नंबर टू, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इज फोर, बट हमने डाली हुई है सिर्फ थ्री. सो फोर्थ वाले के लिए हम यहाँ पर एम्प्टी छोड़ देंगे स्पेस. हियर यू कैन सी. नाउ फॉर लेवल नंबर थ्री, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इज एट, बट हमने वैल्यूज कितनी डाली हुई है थ्री. सो बाकी सबके लिए हम स्पेस खाली छोड़ देंगे. नाउ दिस इज माई कम्प्लीट एरे. सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग कलर्स किए हुए हैं, बट ये एक सिंगल एरे है. नाउ यू कैन सी डी के लिए हमारे पास हमने चिल्ड्रन नहीं बनाए, एफ के लिए नहीं बनाया एक, और यहाँ पे सी के लिए भी एक और नोड होना चाहिए था, तब ये पूरा कंप्लीट बनता, आपका परफेक्ट बाइनरी ट्री बनता. तो परफेक्ट बाइनरी ट्री अगर हम इसको बनाते, कहाँ कहाँ हमारा स्पेस एम्प्टी रहता, वो हमारा एरे में हम एम्प्टी छोड़ देंगे. नाउ अगर मेरे को ये एरे गिवन है और ये ट्री गिवन नहीं है, तो क्या हम इस एरे से ये ट्री बना सकते हैं? यस, बना सकते. कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि किसी भी नोड का लेफ्ट चाइल्ड कौन सा होगा, राइट चाइल्ड कौन सा होगा और पेरेंट कौन सा होगा. फॉर नोड आई, लेफ्ट चाइल्ड इज 2i+1. वेरीफाई करके देखते हैं. नाउ लेट अस सी, वी आर टॉकिंग अबाउट नोड ई. इसके लिए हमें लेफ्ट चाइल्ड फाइंड आउट करना है. अब ई के लिए हमारे पास इंडेक्स नंबर है 4, सो i=4. इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे, 2 × i+1, डेट इज 2 × 8+1 9. सो फॉर नोड ई, इसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ होगा? 9th लोकेशन पे. नाउ यू कैन सी ये 9th लोकेशन पे है, वेरीफाई हो रहा है. फॉर राइट चाइल्ड इट्स फॉर्मूला इज 2i+2, डेट मीन्स लेफ्ट से एक आगे. हमने नंबरिंग इसको सिक्वेंशियली की हुई है, इसलिए इसका नंबर होगा 10. सो नाउ यू कैन वेरीफाई फॉर नोड ई, इसका लेफ्ट है जी 9 पर एंड राइट है 10 पर. एक और नोड के लिए वेरीफाई करते हैं. फॉर नोड बी, हेयर वैल्यू ऑफ आई इज़ 1, सो लेफ्ट चाइल्ड विल बी 2 × 1+1, डेट इज 3. बिल्कुल करेक्ट है, डी इज़ द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ बी. नाउ राइट चाइल्ड विल बी 3+1, डेट इज 4. ये सीक्वेंस में क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने नंबरिंग इनको सीक्वेंस में किया है. 0, 1, 2, 3, 4, 5. नाउ यहाँ एक और होना चाहिए था आपका 6, देन यहाँ होगा आपका 7, 8. फॉर डी के दोनों चिल्ड्रन के लिए 9, 10. नाउ यहाँ होगा आपका 11, एफ के एक चाइल्ड के लिए एंड 12. फिर इन दोनों के चिल्ड्रन के लिए 13 एंड 14. सो इन दिस वे आप ये फॉर्मूलाज खुद भी ड्राइव कर सकते हो इसमें देख के ट्री के अंदर. नाउ पेरेंट वैल्यू कहाँ होगी? पेरेंट विल बी i-1/2 विद फ्लोर फंक्शन. ये हम वेरीफाई करते हैं कैसे. लेट अस से मेरे को जी एंड एच इन दोनों का पेरेंट फाइंड आउट करना है. इनकी वैल्यू पुट करते हैं. i=9. ओके, सो 9-1/2, डेट इज 8/2, 4 विद फ्लोर फंक्शन. 4 ही रहेगा. सो हम 4 पे देखते हैं हमने क्या पुट किया हुआ है, ई. सो पेरेंट ऑफ जी इज ई. यस, डेट इज एब्सोल्युटली राइट, जी का पेरेंट ई है. एच के लिए चेक करते हैं. हियर वैल्यू इज 10, सो 10-1/2, डेट मीन्स 9/2, 4.5 विद फ्लोर फंक्शन, डेट इज 4. सो पेरेंट ऑफ एच इज ई.
एब्सोल्युटली करेक्ट, जी एंड एच दोनों का पेरेंट ई है। ऐसे आप किसी भी नोड के लिए किसी का भी लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड एंड पेरेंट फाइंड आउट कर सकते हो। आपका जो फर्स्ट नोड है वो रूट नोड ही रहेगा हमेशा। नेक्स्ट इज लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। सेम ट्री को हम लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसमें जो हम नोड क्रिएट करते हैं लिंक लिस्ट की, उसके अंदर हम थ्री फील्ड्स क्रिएट करते हैं। सेंटर में आपका आता है डेटा, जो हमने यहाँ डेटा वैल्यू स्टोर की हुई है वो हम सेंटर में स्टोर करेंगे। इसके लेफ्ट साइड में हम स्टोर करेंगे लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस, डेट मीन्स अगर ये मेरा ए नोड के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, सो यहाँ पर आएगा आपके पास बी का एड्रेस, एड्रेस ऑफ बी। एंड दिस फील्ड इज रिप्रेजेंटिंग एड्रेस ऑफ राइट चाइल्ड, डेट मीन्स यहाँ पर आएगा आपके पास एड्रेस ऑफ सी। सो इन दिस वे अ सिंगल नोड ऑफ लिंक लिस्ट इज क्रिएटेड फॉर अ ट्री नोड। अब हम क्रिएट करते हैं, दिस वॉज आर ट्री। ये फर्स्ट रूट नोड के लिए हमने नोड क्रिएट की। अब इसके पास दो चिल्ड्रन है हमारे पास ए के, सो वी विल क्रिएट टू पॉइंटर्स। उन दोनों पर हमने बी एंड सी डाल दिया। नाउ यहाँ पर हमने स्टोर किया है इस पूरी नोड का एड्रेस, इस पॉइंट पे हमने स्टोर किया है सी नोड का एड्रेस। नेक्स्ट आप बी नोड के लिए देख सकते हो इसके पास दोनों चिल्ड्रन है डी एंड ई, सो वी विल क्रिएट टू नोड्स डी एंड ई। अब यहाँ पर हमने स्टोर किया हुआ है डी नोड का एड्रेस, इस पॉइंट पे हमने स्टोर किया है ई नोड का एड्रेस। हियर यू कैन सी सी नोड के लिए एक सिंगल लेफ्ट चाइल्ड है, उसके लिए हमने लेफ्ट चाइल्ड क्रिएट कर दिया। नाउ ई नोड के लिए, अब डी नोड के लिए कोई भी चाइल्ड नहीं है, उसको एम्प्टी छोड़ देंगे। ई नोड के लिए हमारे पास दो चिल्ड्रन है, दोनों क्रिएट किया। नाउ एफ के लिए यू कैन सी देयर इज ओनली अ राइट चाइल्ड, वो क्रिएट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमने एड्रेसेस यूज नहीं किए हैं लिंक लिस्ट नोड पे, वहाँ हम क्या पुट करेंगे? नल वैल्यूज। सो दिस इज द लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।